इसी चुनाव में मात्र दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मिले और 64 से मतों से चुनाव में जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे हमें ये बताना है, कुल कितने वोट थे चुनाव में ये बताना है। तो जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को मिले 54%, और कुल कितने होते हैं भाई, कुल होता है टोटल हमारा 100%, किसी भी चीज का टोटल हमारा 100% होता है। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को मिले 100 - 54%, माइनस कर देंगे, ये हमारा 10 - 4 = 6 और 9 - 5 = 40%। तो जीतने और हारने वालों में कुल अंतर कितना है, कुल अंतर कितना है दोनों का प्रतिशत का, कुल अंतर प्रतिशत दोनों में प्रतिशत में, एक को मिले 54% और दूसरे को मिले 40%, तो कुल मिला के 8% का अंतर हो गया जीतने वाले में और हारने वाले में, 8% का अंतर है। और ये जो 8% है ये किसके बराबर है, ये 8% हमारा 640 के बराबर है, क्योंकि 640 से वो जीता है। तो 8% बराबर कितना हो गया 640, 8% बराबर 640, तो 1% बराबर कितना होगा बच्चों, 1% बराबर 640/8 80। और कुल कितना हमें टोटल निकालना है ना, कुल, तो कुल कितना होता है 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 80 × 100 बराबर कितना 800%, यानी कि कुल जो मत है वो हमारे 800 हैं। ये है बच्चों इस क्वेश्चन को करने का कंप्लीट तरीका। आप इसके तरीके से और भी सवाल कर सकते हो बहुत आसानी से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।